हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। कुछ हम लोग जो अभी देख रहे थे बिहार स्पेशल जो करेंट अफेयर्स हैं, जो कि जिसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी का हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चित उपन्यास फूल संघी के लेखक जिनका निधन 2 नवंबर 2017 को हुआ था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पांडे कपिल। कुआलालंपुर में एशियाई देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल लीडरशिप इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व अभिनव उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सर्वेश कुमार तिवारी को, यानी हो जाएगा 52C। 53 में है 155 साल से चल रही जमालपुर से सुल्तानगंज और जमालपुर धनौरी तक चलने वाली श्रमिक ट्रेन, उन्होंने श्रमिक ट्रेन का अपना अंतिम सफ़र कब तय किया? तो वो तय किया 31 अक्टूबर 2017 को, उसके बाद ये बंद हो गई। किस अभिनेता व राजनेता को कला एवं राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटिश संसद परिषद में एक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? वो कौन है? वो हैं शत्रुघ्न सिन्हा। हिंदी और भोजपुरी के किस चर्चित साहित्यकार का निधन 19 अक्टूबर 2017 को हुआ? तो ये हुआ है विशुद्धानंद जी को, जो हिंदी और भोजपुरी का चर्चित साहित्यकार थे, उनका निधन हो गया। प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पे 51 साल पहले एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम, जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास में अपनी एक अमीर छाप छोड़ दी थी। अब एक बार फिर से रेणु की कौन सी कहानी पर फिल्म बन रही है? तो वो है पंचलेट पर एक बार फिर से फिल्म बनाया जा रहा है। 57 देखे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के कौन से निर्वाण दिवस के मौके पर पावापुरी में महोत्सव मनाया जा रहा है? ते मनाया जा रहा है 2543वां। अररिया के लोकसभा के लिए निर्वाचित किस वरिष्ठ राजद नेता की 17 सितंबर 2017 को चेन्नई की एक अस्पताल में निधन हो गया? ये कौन थे? ये थे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये तो अपना बिहार राज्य है, 59 का हो जाएगा सी। बिहार के किस विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष समारोह 14 अक्टूबर 2017 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है, यहाँ पर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में हुआ था, तो उसी का 100 साल पूरा होने पर यानी शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग कितने करोड़ लागत की 10 नमामि गंगा परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 2033 करोड़ की 10 नमामि गंगा परियोजना का मंजूरी दिया गया है। 63 में देखें तो फेमिना मिस इंडिया 2017 की द्वितीय उपविजेता, यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीय उपविजेता जो कि बिहार के निवासी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रियंका कुमारी, फेमिना मिस इंडिया 2017 की द्वितीय उपविजेता। 11 सितंबर 2017 को पटना में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंट 2017 में बालक वर्ग में किसने खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है हर्ष भारत कोटी। 11 सितंबर 2017 को पटना में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंट 2017 में बालक वर्ग में किसने खिताब जीता? बिहार में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त राज्यव्यापी महाभियान का शुरुआत वर्ष 2017 में हुआ, और ये वर्ष 2017 में कब हुआ? तो शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को। राजगीर में आयोजित 4वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, राजगीर में आयोजित 4वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन। बिहार में करीब 7005 वर्ग फीट में दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग किस रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मधुबनी रेलवे स्टेशन पर। बिहार में किस घोटाले की जांच का जिम्मा हाल ही में सीबीआई को सौंपा गया है? तो सीबीआई को जो सौंपा गया था वो है सृजन घोटाला, यानी 68B हो जाएगा सृजन घोटाला, जो कि भागलपुर में एक एनजीओ के द्वारा हुआ था। अररिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र हेतु संपन्न उपचुनाव में किसने जीत हासिल की?
तो ये उपचुनाव है, एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन इस तरह से, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अररिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में सरफराज आलम जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं इनको चुना गया है उपचुनाव में। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हाल ही में प्रणब मुखर्जी ने किसको नियुक्त किया गया था, किसने यानी प्रणब मुखर्जी ने किसे नियुक्त किया था, तो ये हो जाएंगे सुनैना सिंह। और 71 में देखिए बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किए, तो ये हो जाएगा 14वां। और 13वां है उपराष्ट्रपति। बिहार में नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को कौन से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, बिहार में नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को कौन से मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला, तो ये था 6ठा, यानी 6 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। लीची उत्पादन में बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो लीची उत्पादन में बिहार राज्य का देश में प्रथम स्थान है। प्रसिद्ध यानी 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मिथिला पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, वर्ष 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, वो मिथिला पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, तो वो हैं श्रीमती बउआ देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 75 हो गया बौद्ध के संवैधानिक अधिकारों व राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर 28 जुलाई 2017 को 6ठी राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था बोधगया में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2017 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने केला अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ इन्होंने शिलान्यास किया, तो ये किया गोरल वैशाली में। और बिहार के किस पूर्व मंत्री तथा राजनेता जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं उनकी शादी काफ़ी चर्चित रही, तो वो था यानी 77 का यहाँ पर हम जाएंगे, तो वो था तेज प्रताप यादव, लालू यादव के सुपुत्र हैं। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री कौन हैं, ये तो पता होगा बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, इसके पहले तेजस्वी यादव थे। तो ये था हमारा बिहार करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन, तो ये हमारा लास्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।